Assalamualaikum क्लास 8 एंड 9। आज का जो है हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, केमिस्ट्री है, उसका लेक्चर नंबर 7 है। आज हम लेक्चर नंबर 7 में क्या देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री, यानी कि साइंटिफिक अप्रोच साइंसी पहुंच का केमिस्ट्री में क्या कारनामा है, यानी कि यह होती क्या है, इसके हवाले से देखेंगे। उसको देखने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़े से जो डिफिकल्ट वर्ड है इस लेक्चर के हवाले से तो हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, अप्रोच कहते हैं पहुंच को, यानी ठीक है। सेकंड है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक कहते हैं मुनज्जम को, यानी कि दर्जाबंदी, कोई भी ऐसी चीज जो तरतीब के हवाले से हो। थर्ड डिलीवर यानी कि पहुंचाना। फोर्थ प्रिडिक्शंस यानी कि पेशन, प्रिडिक्शन पेशन गोई। फैक्ट हकीकत, एलाब्रेट मेहनत और मुशक्कत। वेरी तब्दील हो जाना। स्किल हुनर या फिर मुहारत। हाइपोथेसिस मफरूजा या फिर ख्याल। ट्राई कोशिश। फेनोमेनन अमल। थ्योरी नजरिया। वैलिड दुरुस्त या फिर ठीक। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड थे, हमने इनको देखा। अब हम क्या देखते हैं, अपने लेक्चर पर आ जाते हैं। सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री, यानी कि साइंटिफिक अप्रोच से क्या मुराद है, किसमें केमिस्ट्री में, यानी कि केमिया में साइंटिफिक अप्रोच यानी साइंटिफिक पहुंच से क्या मुराद है। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली साइंटिफिक अप्रोच, यानी कि साइंसी पहुंच या फिर साइंटिफिक मेथड, यानी कि साइंटिफिक है ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, साइंटिफिक अप्रोच यानी कि साइंसी पहुंच या फिर साइंटिफिक मेथड यानी साइंसी तरीका का। ये हमारे पास क्या है, एक ही चीज के दो नाम है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। अब हमारे पास इसमें क्या है, अ मेथड विच इज यूज इन अ सिस्टमैटिक स्टडी, यानी कि ऐसा तरीके का जो कि मुनज्जम मुताले के लिए, मुनज्जम मुताले यानी कि दर्जाबंदी के हवाले से ऑफ साइंस, साइंस की टू डिलीवर द फैक्ट, यानी कि फैक्ट डिलीवर करने के लिए, फैक्ट किसे कहते हैं, हकीकत को डिलीवर पहुंचाना, यानी कि हकीकत बयान करना दूसरे तक पहुंचाने के लिए। फॉर मेकिंग प्रिडिक्शन यानी कि क्या बनाने के लिए, पेशन गोई पेश करने के लिए, थ्योरी नजरिए के लिए, एंड साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक तरीके कार के लिए या फिर साइंटिफिक अप्रोच के लिए ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड यानी कि साइंटिफिक मेथड या फिर साइंटिफिक अप्रोच के स्टेप यानी कि उसके तरीके कार। हेडिंग क्या है हमारे पास, द डिफरेंट स्टेप्स यूज इन साइंटिफिक मेथड आर एज फॉलोज, यानी कि साइंटिफिक मेथड। अब क्या है, साइंटिफिक मेथड या अप्रोच सेम चीज है। अब मैंने कहीं पे अप्रोच है कहीं पे मेथड, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड में जो तरीकेकार यूज होते हैं वो दर्ज पहले यानी कि नीचे गिवन है, एक एक को हमने वर्ड टू वर्ड डिफाइन किया हुआ है। सबसे फर्स्ट पर हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हम उर्दू में क्या कहते हैं, मुशाहिदा कहते हैं। अब इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन इज अ बेसिक टूल ऑफ टू गो फॉर, यानी कि मुशाहिदा एक बुनियादी तरीकेकार है फॉर एलाब्रेटिंग अ फेनोमेनन, यानी कि किसी भी अमल की मेहनत और मुशक्कत के लिए, यानी कि कोई भी चीज़ है उसकी मेहनत और मुशक्कत करते हैं तो ये उसका बुनियादी तरीकेकार होता है। बट इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये किस पर डिपेंडेंट होता है, पर्सन टू पर्सन यानी कि शख्स के हिसाब से होता है, शख्स बा शख्स, क्योंकि हर बंदे की सोच अलग होती है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, तो ये उससे रिलेटेड रखता है। अकॉर्डिंग टू हिज ऑन स्किल यानी कि उस शख्स के, अब वेरी टू पर्सन यानी कि अलग अलग होगा, तो जब भी उन्होंने लिखा है अकॉर्डिंग टू हिज ऑन स्किल यानी कि उसकी अपनी स्किल यानी कि उसके अपने हुनर या अपनी महारत के हवाले से, ऑफ एलाबोरेशन यानी कि उसकी मेहनत और मुशक्कत। अब उसकी मेहनत और मशक्कत, अब मेरा मेहनत और मशक्कत करने का तरीका अलग है, आप लोग अलग तरीके से मेहनत और मशक्कत करते हैं। अब क्या ये पर्सन से पर्सन पर होता है, यानी कि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या है, हाइपोथेसिस है हमारे पास। हाइपोथेसिस में क्या कह रहे हैं वो, द एक्सप्लेनेशन यानी कि बस ऐसी वजाहत विच इज स्टिल ओनली अ ट्रायल आइडिया, जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ ख्याल, यानी कि वो बिल्कुल चीज पक्की नहीं है कि हाँ उसको मोहर लगा दी कि ये बात बिल्कुल सही है, वो सिर्फ अभी ख्याल है। टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व फेनोमेनन यानी कि किसी भी अमल को बयान करने के लिए इज नॉन एज हाइपोथेसिस, वो क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस मफरूजा यानी कि ख्याल कहलाता है, यानी कि ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसी बात
जो कि सिर्फ से अभी तक ख्याल होता है कि पक्की नहीं हुई होती, पर उसकी बुनियाद पर हम क्या करते, किसी भी अमल या फिर थ्योरी को बयान कर रहे होते, तो हमारा क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास क्या है, थ्योरी यानी के नजरिया। अब नजरिया भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है नजरिया। When the hypothesis is supported by a large amount of different types of observation, यानी कि hypothesis मैंने आपको समझाया। अब क्या कह रहा है वो, जब जो है hypothesis यानी कि मफरूजा जो है वो उसको बहुत सारे लोग सपोर्ट करने लग जाते हैं, यानी कि मैंने एक ख्याल है मेरा कि ये चीज़ ऐसे होगी, अब उसको बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे कि हाँ इसका ये जो ख्याल है ये बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है। एंड एक्सपेरिमेंट्स, और ख्याल को भी सपोर्ट करेंगे कि हाँ ऐसे ही होता है, और उस ख्याल को जो है एक्सपेरिमेंट यानी कि तजुर्बे की मदद से बयान भी करेंगे, देन इट बिकम्स अ थ्योरी। तो फिर वो क्या हो जाएगी, थ्योरी बन जाएगी, यानी कि वो जो मेरा ख्याल है फिर वो एक नजरिए की शेप में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे एग्री हो जाते हैं कि हाँ वाकई में ऐसे ही होता है। फिर उस पर तजुर्बे भी किए जाते हैं केमिकली, यानी कि केमिकल्स की मदद से तजुर्बे किए जाते हैं, और फिर वो क्या बन जाते हैं, फिर एक हमारे पास वो एक थ्योरी यानी कि एक कानून टाइप बन जाता है। उसके बाद फोर्थ पर क्या है हमारे पास, साइंटिफिक लॉ, साइंसी कानून और साइंटिफिक प्रिंसिपल या फिर साइंसी उसूल। अब इसमें क्या होता है, अ थ्योरी विकसित। अब इसमें आप देख रहे हो कि एक चीज, ये सब एक दूसरे के डिपेंडेंट है। पहले हमने ऑब्जर्वेशन देखा, फिर ऑब्जर्वेशन जब हुई तो उस ऑब्जर्वेशन को किस में चले गया, हाइपोथेसिस में। फिर जब बहुत सारे लोग जो है हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने लगे तो वो थ्योरी बन गई। अब क्या है, इसमें भी थ्योरी से रिलेटेड है क्या, अ थ्योरी विच इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन, यानी कि एक ऐसा नजरिया जिसको टेस्ट किया जाता है बार बार, यानी कि बार बार उसकी जांच पड़ताल की जाती है, एंड फाउंड टू फिट द फैक्ट, हकीकत जानने के लिए, एंड फ्रॉम विच वैलिड प्रेडिक्शंस प्रिडिक्शंस मे बी मेट। और फिर उसकी बुनियाद पर क्या हो जाती है, कुछ दुरुस्त प्रिडिक्शन यानी कुछ परफेक्ट पेशेंट को दरियाफ्त हो जाती है, यानी कि मालूम हो जाती है, इज नॉन एज साइंटिफिक लॉ और साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, साइंसी कानून या फिर साइंसी तरीका, साइंसी कानून या फिर साइंसी उसूल कहलाता है। यानी कि एक थ्योरी है मेरे पास कि मैंने कहा कि मैं इस चीज़ को ऐसे करूँगा तो ये होगा ये होगा। अब अगर इसको मैं बार बार टेस्ट करूँ, यानी कि मैंने यही मरहला यानी कि प्रोसेस एक दफ़ा किया, जब मेरे पास कुछ प्रिडिक्शन आई यानी कि कुछ बातें सामने आई मेरे पास, फिर मैंने दूसरी दफ़ा किया फिर वही बातें आई, फिर तीसरी दफ़ा किया फिर वही बातें आई, तो इससे के लिए क्या होता है, मेरी ये थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी कि हाँ ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो एक दो दफ़ा करने हो वो मिस्टेक जो है वादा होगी, पर मिस्टेक वादा नहीं होती, इसका मतलब आपका प्रोसेस बिल्कुल सही है। तो फिर वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइंटिफिक कानून, साइंसी कानून या फिर साइंसी उसूल। तो अब ये ना हमारा आज का लेक्चर नंबर 7। अब यहाँ हम लोगों ने क्या किया, लेक्चर नंबर 7 पढ़ा है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप लोग चाहें तो इसको दोबारा 2-3 दफ़ा इसको रीड करिएगा, इसको अच्छे से डिफाइन किया है। तो आई होप आज आपको समझ आया हो। अब हम इसके अगले लेक्चर में देखेंगे इसके आगे के रिलेटेड टॉपिक्स। ओके, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।